हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में। ठीक है कि वो कौन सी ड्रग्स होती हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस में दी जाती है किसी पेशेंट को। तो देखो, जो हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं उनको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है मेजरली, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स और थर्ड लाइन ड्रग्स। ठीक है कि सबसे पहले यूज़ करी जाने वाली ड्रग्स को बोलते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स, उसके बाद सेकेंड लाइन ड्रग्स, और जब इन दोनों से बात न बने तब हम यूज़ करते हैं थर्ड लाइन ड्रग्स। ठीक, अब हम एक एक करके इनको जानेंगे कि भाई फर्स्ट लाइन ड्रग्स में कौन सी आती है, सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन में। ठीक है, याद करने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म्स बना रखी है मैनिमोनिक्स, जिससे भाई आपको आसानी से याद हो जाएंगी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स को याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म है राइप्स। ठीक है, राइप्स यानी RIPES, राइप्स का मतलब भाई एक तरीके से पकना। ठीक है, तो भाई पक्का इलाज है ये टीबी का। ठीक है, राइप्स, इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो सब ड्रग के लिए स्टैंड करता है। R फॉर रिफेम्पिसिन, I फॉर आइसोनियाजिड, P फॉर पायराजिनामाइड, E फॉर इथाम्ब्यूटोल और S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो राइप्स ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आ गई। ठीक, सेकंड लाइन ड्रग्स में आपको याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म याद रखनी पड़ेगी मालिक सीसी। ठीक है, मालिक सीसी। तो भाई सेकंड लाइन ड्रग्स में कौन सी होती है, इसमें होती है हमारी मॉक्सीफ्लोक्सासिन, अमिकेसिन, लीवोफ्लोक्सासिन, कैनामाइसिन, और सीसी से दो होती है सिप्रोफ्लोक्सासिन और कैप्रियोमाइसिन। ठीक है, तो भाई फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकंड लाइन ड्रग्स इस तरीके से याद हो जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड लाइन ड्रग को याद करने का तरीका है रीमालिव। ठीक है, रीमालिव, तो भाई रीमालिव यानी कि RI से रिफाम्ब्यूटिन, MA से मैक्रोलाइड, इसके बाद लिव LI से लाइनिजोलिड और V से विटामिन डी। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका है याद रखने का मैनिमोनिक्स से, आपको ये ड्रग्स अच्छे से याद हो जाएंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसी चीज़ का स्क्रीनशॉट एज इट इज़ ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा याद करने के लिए।